डाउन हो गया था नारायणपुर का, तो वहाँ पे माल नहीं खाली हो पाया, तो अभी माल लोड किया और बनारस लेकर के जाएंगे। 5 दिन हुआ है, 5 दिन से यही गाड़ी चला रहा है। महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो गुरु जा रहा हूँ आज मैं एक लोकल भाड़ा मारने। पिछले वाली वीडियो मैंने आपको बताया ही था कि लोकल भाड़ा मारना है और मैं जा रहा हूँ लोकल भाड़ा मारने। जो है अपना जो लोकल रहता है बीच का, वही लंबा भाड़ा मिल नहीं रहा है और यही सारी दिक्कत है, देखिए क्या होता है। तो यहाँ से जो है मैं चलूँगा लोडिंग पॉइंट पे, वहाँ पे लोड करेंगे और 2 चक्कर है, दोनों चक्कर मारेंगे और खाली करेंगे और उसके बाद जो है देखते हैं क्या है कैसा है बाकी। क्योंकि भाड़ा भाड़ा एकदम मिल नहीं रहा है, एकदम परेशान हो गए हैं भाड़ा भाड़ा से भाई, तो कुछ तो चाहिए। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से आगे। और ये गोदाम में पहुंच गए हैं, अपनी गाड़ी जो है वो लोडिंग करना चालू हो गया है। यहाँ से लोड करके लोकल ही है, 2 चक्कर मारेंगे उसके बाद देखेंगे कहीं का और कुछ निकलता है तो जाएंगे। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है मेरी, पहले से ही ब्लॉग में देखे होंगे आप, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, फिर भी लोकल लोकल मार ले रहा हूँ मैं। और यही गोदाम है जहाँ से अपना लोड होता है, ये पूरा मतलब सीड्स का बीज का काम करते हैं, और जैसे किसी भी चीज़ की बीज बनाते हैं, धनिया पुदीना अदरक लहसुन सब, ठीक है। तो लोड करते हैं फिर मिलते हैं आप सभी से। गुरु फाइनली जो है अपनी गाड़ी हो गई लोड, लोड करके मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और 70 बोरा अपनी गाड़ी में लोड हुआ है। यहाँ से जाएंगे खाली करने जहाँ जाते हैं, तो ये अपना लोडिंग पॉइंट है, देख ही सकते हैं। तो यहाँ से जो है अभी गेट खुलेगा, गेट खुलवाते हैं फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु गाड़ी जो है वो अपना क्या बोलते हैं लोड करके निकल गया, ये मैं आगे अपने को जाके खाली करना है 4 किलोमीटर दूर, वो आपको पता ही है लोकल भाड़ा जो मैं लेके जाता हूँ। तो अभी चुंडी देखिए, 1 चक्कर मैं मार रहा हूँ, या तो बोलूँगा एक चक्कर चुंडी को मारने के लिए, नहीं तो मैं 2 चक्कर ही मार दूँगा, 2 चक्कर है। भाड़ा आपको पहले पता ही है, उसमें से भी 100 रुपये कम कर दिया गया लोकल 4 किलोमीटर का, फिर भी कम दे रहे हैं वैसे, अगर जितना पहले दे रहे थे उतना ठीक है। जा रहा हूँ, देखता हूँ कितना देते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ से चलते हैं अनलोडिंग पॉइंट पर, खाली करते हैं फिर मिलते हैं आप सभी से। ये हम पहुंच गए हैं गुरु अनलोडिंग पॉइंट पे, और यहाँ जो है गाड़ी अपनी खाली होगी, ये पूरा माल है। और ये यहाँ पे एक्चुअली करते क्या है, यहाँ पे उतार के इसको ना दूसरे जगह भेजते हैं, इन द सेंस कि ये 40 किलो की बोरी है शायद या 30 किलो की, तो इसको 20 किलो की करते हैं, 20 किलो की करके भेजते हैं। तो गुरु गाड़ी जो है वो खाली करके मैं निकल गया हूँ और चल रहा हूँ 2रा चक्कर लोड करने यहाँ से। दूसरा चक्कर मतलब यहाँ 2 चक्कर है आज जो मार दूंगा। तो अभी जो है देखिए ये गांव का रास्ता है, यहाँ से मैं निकल गया हूँ और मेरी गाड़ी जो है वो बंद हो जा रही है और डीजल फिल्टर का लाइट जल जा रहा है। वो कहते हैं ना कि कसम से इस धंधे में इतने साल की एक्सपीरियंस में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, देखो किसी का सही चल रहा है किसी का गलत चल रहा है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है कि क्या है क्या है कैसा। लोग बहुत ओपिनियन देते हैं, बहुत अपनी बातें करते हैं, फलाना ढिमकाना, इवन ये वीडियोस मेरे फेसबुक पे भी जाते हैं तो उसमें लोग गालियां भी देते हैं, ठीक है, बहुत फालतू गाली देते हैं, बट मैं इग्नोर करता हूँ, बट रिप्लाई भी देता हूँ बहुत अच्छे से। मैं सुन के नहीं लेने वालों में से हूँ, सुन के लूँ तो देखो तुम्हारा अच्छा चल रहा है, जैसे अब मेरे को RTO पकड़ लेता है तो लोग बोलते हैं गाड़ी बेच दे, ओवरलोड क्यों करता है, फलाना ढिमकाना। भाई तेरे को पेट में क्यों दर्द हो रहा है, तू मत देख मेरी वीडियोज, क्यों देखने आ रहा है, तुझे दिलचस्पी है या इंटरेस्ट है तब तो मेरी वीडियो देख रहा है ना, नहीं तो देख के तू पूरी वीडियो 10 मिनट 12 मिनट 8 मिनट 5 मिनट जितने मिनट की भी वीडियो वहाँ पे जा रही है तू देख रहा है, देखने के बाद जो है तू मुझे कमेंट कर रहा है, बता रहा है कि ये है वो है ऐसा है, तू गाड़ी बेच दे या फलाना कर ले ढिमकाना कर ले, क्यों कर लूँ भाई, तेरे कहने से मैं कर लूँगा, तेरे में तो मैं तू भी कैमरा उठा तू भी बोल ले तू भी बना ले भैया, तेरे को मैंने रोका है कि तू मत कर, स्वतंत्र भारत है, सब लोग इंडिपेंडेंट है इस भारत स्वतंत्र भारत के अंदर, क्योंकि हमारा भारत 1947 में आज़ाद हो गया था, तब से हम आज़ाद हैं, बोलने के लिए कुछ करने के लिए करो ना, कौन रोका है तुम्हें भाई, फालतू बकचोदी क्यों करते हो, मेरा कहना ये है, ठीक है। और गाड़ी जो हम मैं पॉइंट क्या बात कर रहा था कि गाड़ी घोड़ा ख़राब होता है, देखो ख़राब होती है तो लोग कमेंट करते हैं पुरानी हो गई बेच दो ये वो, 3 साल की गाड़ी हो गई और आप 1 हद से ज़्यादा चला देते हो गाड़ी तो गाड़ी तो ख़राब होगी ही, क्योंकि हर चीज़ की उम्र होती है। मैं 50 किलो लेके जा रहा हूँ तो क्या मेरे पिताजी भी 50 लेके जाएंगे, नहीं वो बूढ़े हो गए, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, अब उम्र हो गया उनका, मैं 25 का हूँ वो 55 के हैं, तो फ़र्क है भाई, फ़र्क है, बात को समझो हर चीज़ में।
हर चीज़ पे ज्ञान देना नहीं होता है, अपना ओपिनियन नहीं देना होता है, चीज़ों को समझना होता है कि आखिर चीज़ें हो क्यों रही हैं। तुम रखे हो, तुम्हारा बढ़िया चल रहा है ना, तो शुक्र मनाओ ऊपर वाले का कि अच्छा चल रहा है, उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खैर बाकी बातें आगे करेंगे, तो यहाँ से चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं आप सभी से। गुड मॉर्निंग गुरु महादेव। हाय दोस्तों, मेरे को आ रहा है पिछले 5-6 दिन से बुखार। ये वाली ब्लॉग जो हमने लोकल गाड़ी खाली किया था, और अभी गाड़ी जो है खाली नहीं हुई, ये भाई साहब लेके आए थे, कहाँ से आए थे? खाली हो गया था, ठीक है, बना अंबिकापुर से लेकर आए थे माल, तो क्या हुआ मंडी थोड़ा डाउन हो गया था नारायणपुर का, तो वहाँ पे माल नहीं खाली हो पाया, तो अभी माल लोड किया और बनारस लेकर के जाएंगे। 5 दिन हुआ है, 5 दिन से यही गाड़ी चला रहा है, ना मैं इसको फोन कर रहा हूँ, ना पूछ रहा हूँ कहाँ है, क्या कर रहा है, खाली कर रहा है नहीं कर रहा है। मैं बोला क्या डिस्टर्ब करे हम, पड़ा हुआ हूँ ऐसे ही, तो अभी जो है गाड़ी माल पड़ा है, इसमें सुबह खाली करना है, तबीयत ठीक रहेगा तो मैं जाके खाली कर लूंगा, नहीं तो यही खाली करेगा जाके। अभी घर के पास है ये, अपना जाएगा घर पे, मैं चलूंगा घर पे, गाड़ी खड़ा करूंगा, फिर खाली करने जाऊंगा, तो यही सब है। तो पहले ये 3 दिन भैया से हिसाब ले लेते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु चुंडी को जो है छोड़ दिए घर पे, मैं जा रहा हूँ गाड़ी घर पे खड़ा करने, क्योंकि उसका घर रोड पे है और वहाँ पे पेड़ वेड़ है नहीं, छाया है नहीं, जिसकी वजह से गाड़ी को छाँव में खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी में टमाटर है तो छाँव में खड़ा करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से जो है आगे अपने नीम के पास खड़ा करेंगे गाड़ी को, वहाँ पे पूरा भरपूर छाँव है और जिसकी वजह से टमाटर ख़राब नहीं होगा। ये सब बहुत कबाहट वाला काम है यार, खाली अब यहाँ से फिर हमारी गाड़ी 20 आई, अब जाएगी फिर बनारस खाली करने, 1500 का भाड़ा हो, अरे बनारस जाने का मतलब कि हमारा 1000 रुपये नुकसान ही हो जाएगा, वो 1000 रुपये जो दिया है वो 1000 रुपये नुकसान हो जाएगा, क्या कर सकते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, तो घर गाड़ी खड़ा करते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु ये गाड़ी घर पे लाके खड़ा कर दी है, ये देख सकते हैं इसमें माल है, कैरेट में टमाटर रखा हुआ है, और ये कैरेट तरसा तिरपाल सब वैसे ही पड़ा है अपना, रखा है चुंडी ने, ये टमाटर है ऐसे ही कैरेट का, इसको सुबह खाली करना है। कहाँ पे मुझे? पंचकोसी मंडी, तो सुबह वहाँ जाएंगे खाली करने। और ये छोटे भाई साहब बुलेट का कुछ कर रहे हैं गाड़ी में। कितने की लगा इंडिकेटर? 180 का लगा। ब्रेक पैड? तो बुलेट का इंडिकेटर तोड़ दिया था और ब्रेक पैड खराब हो गया, तो ब्रेक पैड इसने लगवाया नहीं है और इंडिकेटर लगवा दिया, और गाड़ी को चेक कर लेते हैं, खड़ा किए हैं तो क्या क्या कुछ दिक्कत तो नहीं है, बट मेरे हिसाब से सब सही लग रहा है, झोंका झूला कमानी सब देख लेते हैं, और गाड़ी में कुछ देखना रहता नहीं है। और ये अभी भी जो है हल्का हल्का लीक ही कर रहा है, बनवा के कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे को लगता है नया ही डालना पड़ेगा। सही में गाड़ी से मैं थक गया हूँ या क्या है, ये महीना ही कुछ ऐसा होता है यार। तो गुरु गाड़ी तो घर पे है, सुबह इसको खाली करने जाना है, और जो है मैं पिछले मेरी लास्ट वीडियो आपको आई होगी 4 दिन पहले, जो पुरानी वीडियो थी, मतलब 4 दिन पहले, 8 दिन पहले की पुरानी वीडियो थी, और मैं 8 दिन नहीं 9-10 दिन हो गया होगा, मतलब मैं 2 पार्ट में ब्लॉग बनाता हूँ, तो एक डाल दिया था, एक 2-3 दिन बाद 3 दिन बाद डाला, उसी दिन आया, उसी दिन शाम से मैं बीमार चल रहा हूँ, कंटिन्यू बीमार था, सर्दी जुकाम बुखार मुझे अभी भी है, मतलब फीवर मेरे को आ जा रहा है, चले जा रहा है, आ जा रहा है, चले जा रहा है, ठीक है। तो गाड़ी पे इस रीजन से भी नहीं जा रहा हूँ, और बहुत सारे काम सुलझन में चल रहा है, बहुत लोगों का बीमार हो जाना एक साथ और सारी चीज़ें, फिर काम भी न चलना, ये बहुत मतलब अजीबोगरीब महीना चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, कभी कोई बीमार हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी, 3 दिन मैं हॉस्पिटल में था, BHU 3 दिन ही 2 दिन था, हाँ 2 दिन हॉस्पिटल था BHU, मेरे लिए नहीं किसी और के लिए था, और उसके बाद फिर कल ही आया हूँ, मतलब कंटिन्यू क्या हुआ, मैं गया आजमगढ़ से आया, फिर चले गया सुबह लखनऊ से फिर आया, गाड़ी से लखनऊ नहीं गया था, लखनऊ दूसरे काम से गया था, लखनऊ से आया, फिर उसके बाद हॉस्पिटल डायरेक्ट, 2 दिन BHU, फिर मैं आया हूँ कल दोपहर 1-2 बजे घर, तब से घर पड़ा हूँ। चुंडी गाड़ी लेके जाता है, लेके आता है, मेरे को पता ही नहीं रहता गाड़ी लेके जा रहा है, लेके आ रहा है, क्या कर रहा है, मैं पूछ भी नहीं पा रहा था, क्योंकि बिजी चल रहा था और बीमार भी था, तो सारी चीज़ें चल रही थी। आज ये गाड़ी अभी खाली, मैं सुबह लेके जाऊँगा करने, तबीयत ठीक रहा तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। भाड़ा आपको मैं बता देता हूँ, भाड़ा जो लगा था वो लगा था इसका 10,000 रुपये लगा था यहीं नारायणपुर खाली करने का, और जो है वहाँ जो खाली होगा तो 1,000 रुपये बढ़ा के देंगे 11,000, जो इसमें दो मैंने लोकल भाड़ा मारा था उसका मेरे को 700 रुपये मिलता है, पहले 800 मिलता था, उसको 700 कर दिए,
ठीक है, तो बस इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक रोज ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।